नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। 31 जनवरी को बालाघाट नैनपुर मार्ग पर ग्राम धापेवाड़ा निवासी इरफान खान पिता रमजान खान उम्र 45 वर्ष अपने ही ग्राम धापेवाड़ा में मॉर्निंग वॉक पर निकला था, जिसे एक तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी और फरार हो गया। वाहन की टक्कर से युवक इरफान की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और शव का पीएम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। इसके बाद मृत युवक के परिजनों ने ग्रामीणों के साथ घटना कारित कर भागने वाले वाहन की पहचान कर उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर ग्राम धापेवाड़ा से लामता मार्ग बंद कर दिया और चक्का जाम प्रदर्शन शुरू कर दिया। ये चक्का जाम प्रदर्शन करीब 2 घंटे तक चला, जिसके कारण यहां यातायात बाधित रहा। ग्रामीणों ने मांग की है कि वाहन की पहचान करते हुए कार्रवाई की जाए और मृतक के परिजनों को मुआवजा राशि दिलवाई जाए और ग्राम की उक्त सड़क पर CCTV कैमरे लगवाए जाएं एवं स्पीड ब्रेकर लगवाए जाएं, क्योंकि यहां आए दिन ऐसी सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं। हालांकि प्रदर्शन की जानकारी लगने के बाद पुलिस के अलावा यहां बालाघाट तहसीलदार एवं परसवाड़ा के पूर्व विधायक मधु भगत भी पहुंचे। प्रशासन के द्वारा उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाए जाने के बाद ये प्रदर्शन बंद किया गया। बताया जा रहा है कि 31 जनवरी की सुबह लगभग 4 बजे समनापुर से बालाघाट की ओर एक DJ वाहन गया है, जिससे ये घटना कारित हुई है और भटेरा के पेट्रोल पंप में लगे CCTV कैमरे में ये वाहन रिकॉर्ड हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। देखिए, जैसे ही हमको जानकारी मिली कि सुबह 4:30 के बीच में धापेवाड़ा में एक अनियंत्रित पिकअप के द्वारा इरफान खान नामक व्यक्ति को ठोस मार देने के कारण उसकी मृत्यु हो गई, दुखद मृत्यु है और उसके लिए हम लोग बहुत उसके लिए वो है। जैसे हमको जानकारी मिली है, मुझे तत्काल में यहाँ पर पहुँचा हूँ, RTI और पुलिस की टीम भी आ गई है। निश्चित रूप से गंभीर घटना है और इसका कोई भी राशि से इसका भरपाई नहीं किया जा सकता है। हमने समझाया, चक्का जाम था, लोग यहाँ पर बहुत जागरूक हैं और जनता भी बहुत अच्छी है, वो अपने अधिकारों को जानती है और इसलिए अपने अधिकारों के प्रदर्शन के लिए उन्होंने चक्का जाम किया था। किसी प्रकार के लाया लैडर कैसो तैयार करना उनका कोई उद्देश्य नहीं था। जैसे हम पहुँचे हैं, हमने जानकारी उनको बताई है, उन्होंने अपना चक्का जाम समाप्त कर दिया है और अपना आवागमन शुरू हो गया है। इसमें अंत्येष्टि सहायता के रूप में ग्राम पंचायत से 5,000 रुपये राशि दी जाती है, जो तत्काल भी कैश में सरकार साहब को माध्यम से हो जाएगी। कलेक्टर महोदय को जैसे ही जानकारी मिली, मैंने उनको बताया, उन्होंने बोला कि भाई आप जाकर वहाँ पर बता दीजिए कि 10,000 रुपये हम रेड क्रॉस से तत्काल उनको और भी देंगे और जो भी बाकी प्रशासनिक तौर पर जो भी इनको राशियाँ मिलनी है सड़क दुर्घटना में या संभल की योजना के अंतर्गत, वो प्रशासनिक प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद इनको प्रदान कर दी जाएगी। और जहाँ तक ये चूँकि रोड नहीं बनी है, अभी इसमें बहुत जगहों पर स्पीड ब्रेकर नहीं लगे हैं, तो MPRDC द्वारा रोड बनाई जा रही है, तो माननीय पूर्व विधायक महोदय ने भी इसमें अवगत कराया है कि जिन ग्रामों से होकर रोड जाती है उन ग्रामों का प्रवेश और एग्जिट इन मार्गों पर कम से कम एक एक स्पीड ब्रेकर होना चाहिए। इस बाबत में MPRDC के अधिकारियों को कलेक्टर साहब के माध्यम से जानकारी जरूर देंगे और ये बनना भी चाहिए। और चूँकि नई रोड बनती है, तो मैं अपील भी करता हूँ जो भी हमारे साथी इस रोड पर चलते हैं या फोर व्हीलर चलते हैं या मोटरसाइकिल चलाते हैं, लोग वो अपनी स्पीड को नियंत्रित रखें। नई रोडों पर बहुत तेज़ी से लोग गाड़ी चलाते हैं, इस तरह की गंभीर दुर्घटना होने के चांसेस बने रहते हैं और एक परिवार को कमाने वाला व्यक्ति खत्म हो जाता है तो उस परिवार को कितनी परेशानी आती है, ये आप और हम सब समझ सकते हैं। मेरी अपील भी है कि रोड अच्छी होने के बावजूद आप अपनी स्पीड को लिमिट में रखें ताकि इस तरह की गंभीर दुर्घटना बचा जा सके। मिली नहीं है, TI साहब भी आ गए हैं, तो जिस बंदे ने उस गाड़ी को देखा है उसको हम बुलवा कर साइबर कंट्रोल रूम जो हमारा पास है CCTV कंट्रोल रूम हम बिठा कर चेक करवा लेंगे और जैसे हमको जानकारी मिली गाड़ी को हम जब्त करेंगे उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। निश्चित तौर पर सुबह 4 बजे के तकरीबन सुबह एक पिकअप गाड़ी ग्रामवासियों के बताए अनुसार जो DJ सिस्टम से सजी हुई, जिसके अंदर DJ का सिस्टम नहीं लगा हुआ था, उस गाड़ी ने इरफान खान नाम के 40 वर्षीय व्यक्ति को तेज स्पीड में रफ्तार से लपेटते हुए काफ़ी दूर ले गया और मौके पर डेथ हो गई। ग्रामवासियों का गुस्सा इतना ज़्यादा तनमनाया भड़बड़ा है क्योंकि अभी सड़क का निर्माण हुआ है। सड़क निर्माण में जो बोल्डर जो आउटर सोल्डिंग होती है वो भी मजबूत नहीं, साथ में आज की डेट में ग्रामवासियों ने उसके लिए चक्का जाम किया। चक्का जाम करने का हमारा उद्देश्य, ग्रामवासियों का उद्देश्य मात्र ये था कि प्रशासन इस ओर ध्यान दे और पुलिस सजग रहे और प्रशासन इस ओर जहाँ पे गति और उद्योग का निर्माण नहीं हुआ है वहाँ तत्काल प्रभाव से गति और उद्योग का निर्माण कराए
इंकित करके हमने तहसीलदार साहब को दे दिया है कि कहां कहां पे गति अवरोधक बनना चाहिए। साथ में वो गाड़ी पिकअप जो गाड़ी अवैध रूप से मार के गई है उसको सीसीटीवी फुटेज कैमरे में प्रत्यक्षदर्शी को बैठा करके उसका साक्ष्य ढूंढे, वो गाड़ी कौन सी है कौन सी नहीं है, गाड़ी पकड़ने के बाद उस गाड़ी का इंश्योरेंस देखे, उसका ड्राइविंग लाइसेंस देखे, कौन व्यक्ति चला रहा था, ताकि एक मृत परिवार जो गरीब परिवार जो है उसके घर में सहायता पहुंचाई जाए और भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो स्पीड गाड़ी चलने पे, इसके लिए ब्रेकर का निर्माण तत्काल रूप से किया जाए। सर मुआवजे वगैरह की भी मांग कर रहे थे, निश्चित तौर पे मुआवजे की मांग हुई है और मुआवजे के तौर पे ग्राम पंचायत से आज सरपंच महोदय भी बैठे हैं, तहसीलदार साहब भी बैठे हैं, BDC महोदय हमारे कालू भैया भी बैठे हैं और ग्राम आश्रय सरपंच सचिव कार्यालय से अभी दी जा रही है, साथ में रेड क्रॉस सोसाइटी से कलेक्टर महोदय के द्वारा 10,000 की बात की गई है, लेकिन मैं तहसीलदार साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये 25,000 इसको कर दिया जाए, 10 से जाकर के 25,000 इसको कर दिया जाए और मैं इसको 25,000 यहाँ लिख देता हूँ कलेक्टर साहब से, आप इसको मैं बात भी कर लूँगा, मिली तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि गरीब परिवार है उसकी सहायता में काम आएगा। तीसरा, एक गुप्त जो गाड़ी होती है जिसका नंबर ट्रेस नहीं होता वो मार के जाती है तो 25,000 रुपये प्रशासन देता है और अगर जानकारी उस गाड़ी की लग जाए तो 15,000 रुपये भी उस परिवार को सरकार प्रशासन की ओर से मिलेगा। अगर संबल कार्ड अगर इनका या श्रमिक कार्ड इनका है तो संबल कार्ड में इनको 2,00,000 और अगर एक्सीडेंट से कोई खत्म होता है तो उसको 4,00,000 रुपए मिलता है, वो परिवार जानकारी देगा प्रशासन को तो निश्चित तौर पे उसका लाभ उस परिवार को मिलेगा। अगर ये सब कुछ नहीं है तो राष्ट्रीय परिवार सहायता राशि से 25,000 रुपए की राशि और दी जाएगी और अगर वो गाड़ी का इंश्योरेंस जिस गाड़ी को पकड़ने के बाद ये जानकारी मिलती है कि इसका गाड़ी कैंसिल तो उसके मालिक से 12,00,000 रुपए का मुआवजा कोर्ट की तरफ से उस परिवार को मिलना चाहिए, ये हमने मांग रखी है।